नमस्कार, न्यूज प्रमोशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अभी दिल्ली पहुंचे। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने 6A कामराज लेन स्थित जो सरकारी आवास है वहां पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। बता दें कि PM मोदी से इस मुलाकात को बहुत ही अहम माना जा रहा है, चूँकि पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन को छोड़ के NDA में शामिल हुए हैं। NDA में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से ये पहली मुलाकात होगी। बता दें कि जब पिछली मुलाकात जब G20 का यहाँ पर डिनर दिल्ली में हो रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ था। उसके बाद लंबे लगभग 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज जो ये मुलाकात होगी। बता दें कि इस मुलाकात को कई मायनों में खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान जो आगामी लोकसभा चुनाव है उस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बिहार में जो 6 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है इस पर भी बातचीत हो सकती है। बता दें कि अभी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, संभावना है कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होती है तो वहाँ क्या क्या बात होती है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार LK आडवाणी को बधाई देने के लिए उनके घर जा सकते हैं। इसके अलावा जो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, जहां से अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी से इनकी मुलाकात होनी है। इस मुलाकात को बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव समय जो विभिन्न मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। कहा जा रहा है कि जो पिछले दिनों कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद भी देंगे। साथ ही साथ जो आगे बिहार के विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फाउंडेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह। JP नड्डा से मुलाकात करेंगे और लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न मिलने के बाद उनको भी धन्यवाद देने जाएंगे, शुभकामना देने जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, गेट बंद करो, गेट बंद करो। हेलो, इस दौरान प्रधानमंत्री सर आगे चढ़ जाइए। हट जाइए।